है ना, कल और परसों, इसलिए समय भी ज्यादा नहीं है। चलिए आइए, चार चौपाइयां गंगा के पावन तट की हैं। भगवान पहुंच गए, क्या किया उन्होंने? विश्वामित्र जी महाराज के चरण पकड़ के कहते हैं, ये कौन है? का ये गंगा है, इनकी महिमा क्या है, इसका मतलब क्या है? भगवान जानते नहीं, जब चरण से निकली है तो महिमा नहीं जानते, लेकिन तुम सबको बता रहे हैं कि किसी भी तीर्थ में जाओ तो पहले तीर्थ की महिमा को सुनो, समझो इस तीर्थ की विशेषता क्या है। ये तुम लोगों के लिए शिक्षा है कि तुम किसी भी तीर्थ में जाओ, सबसे पहले उस तीर्थ की महिमा को समझो कि तीर्थ की क्या महिमा है। जब तीर्थ की महिमा समझ लोगे तभी तीर्थ के प्रति समर्पण होगा। चाहे कोई भी पुनीत नदी हो, उसकी महिमा समझो तभी पुनीत नदी के प्रति समर्पण होगा। पहले महिमा सुनो, ये संतों के प्रति समर्पण तब ना होगा जब संतों की महिमा सुन लोगे कि है क्या महिमा, बोलो। नहीं तो केवल ये थोड़ी महिमा है कि जटाजूट देख लिए, दाढ़ी देख ली, कहे ये महिमा है संतों की। तो ये तो पंजाब में चले जाओ तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले मिलेंगे तुम्हें, क्यों भाई जटाजूट वाले तमाम। नहीं नहीं, ये तो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ भेष है। क्यों? ये जटाजूट की परंपरा, भद्र परंपरा, हमारे यहां गुरुदेव की परंपरा, जैसा गुरुदेव ने भेष दे दिया हमने धारण कर लिया। लेकिन उद्देश्य क्या है महात्माओं का, उद्देश्य पर विचार करना है। ये तो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ भेष है, इसलिए हमने इसको धारण किया है, गुरु जी की आज्ञा है, ये हमारी आचार्य परंपरा है। लेकिन आचार्य परंपरा केवल इतनी ही नहीं है कि हम केवल भेष ही धारण करें। आचार्य श्री ने उद्देश्य क्या बताए हैं, उन उद्देश्यों पर यदि हम चल रहे हैं तो हमारे भेष का सम्मान है, यदि हम उद्देश्यों से हटके कार्य कर रहे हैं तो भेष का अपमान है। क्या है? भेष का अपमान है। इसलिए संतों की महिमा पहले सुनो, तब संतों के प्रति समर्पण होगा कि ये होते हैं संत, इस तरह की परंपरा है संतों की। गंगा जी के तट पर आप जाएं तो ये न माने कि ये केवल पानी बह रहा है, अपराध बन जाएगा। ये जल बह रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है, और केवल जल ही नहीं है प्यारे, ये तो प्रभु श्री राम के चरण का चरणोदक प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुर शरी, तुलसी को हरी घास कहोगे इतने प्रकार के पापों से बचो, तुलसी को हरी घास कहोगे पाप लग जाएगा, अपराध बन जाएगा। शालिग्राम को पाषाण समझ लोगे अपराध बन जाएगा। गुरु को केवल संत को हाड़ मांस का पुतला समझ लोगे अपराध बन जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? गंगा जी के जल को केवल तुम मात्र पानी समझ लोगे तो अपराध बन जाएगा, इसलिए इन अपराधों से बचो। तो भगवान राम ने विश्वामित्र जी महाराज से पहले क्या पूछा? गंगा जी की महिमा को पूछा है ना, कि गंगा जी की महिमा क्या है। गाधी सुन सब कथा सुनाई, और जही प्रकार सुर शरी मह आई, जही प्रकार सुर शरी मह आई, तो उस प्रकार में वर्णन हो गया कि नहीं, ऐसे 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 से गंगा जी आई, इसका मतलब है महिमा बढ़ गई गंगा की। अब गंगा जी की महिमा बढ़ी, तो अब महिमा बढ़ी तो भगवान ने स्नान भी किया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, बोलो नहाए कि नहीं? नहाए, नहाए मानी स्नान करना, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, तो भगवान ने भी स्नान किया। जब महिमा सुनी तो स्नान किया कि गंगा में स्नान करना चाहिए। वैसे तो दर्शन गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन स्नान कर ले तो कह नहीं क्या? स्नान किया, केवल स्नान ही नहीं, फिर विविध दान मही देवन पाए, विविध प्रकार का दान दिया जो तट पर रहते थे विप्रगण विप्रवृंद महीदेव भूदेव, उन सब को भगवान ने दान दिया। बोलो भाई, इसका मतलब है कि गंगा जी की क्या महिमा है, और जो गंगा के किनारे रहते हैं उनकी क्या महिमा है। समझ में आई बात? उनको साधारण मत समझा करो कि जो गंगा जी के किनारे रहते हैं। सीधी सी बात है, जाओ
जो भी आश्रम आदि हैं गंगा के तट पर, खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ और जरूर भेंट करो, समर्पित करो, सेवाएं होती रहती हैं, समझ रहे हो कि नहीं। दान तीर्थ में जरूर करना चाहिए, तीर्थ की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए और प्रयास करो कि तीर्थ में जाएं तो आप अपने दोषों को छोड़ करके चले आए कि गंगा मैया ये दोष थे, बस आपका दर्शन मिला, स्नान कर लिया, आप दोष छोड़ के जा रहे हैं, फिर पुनरावृत्ति नहीं करना, नहीं फिर घरे आओ तो फिर वही दोष लाद लो, ना 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 ना, छोड़ के आए तो आए, तीर्थ में दोष जरूर समाप्त करो। लेकिन हम तो ये कहते हैं तीर्थ में, हमारा भी मठ है चित्रकूट धाम में और सबसे प्रमुख मठ है कामदगिर प्रमुख द्वार, तो भैया मैं सत्य कहता हूं कि लोग जाते हैं ठहरते हैं और जब जाते हैं वापस ठहरने के बाद दर्शन परिक्रमा आदि करके तो उस कमरे की दुर्दशा देखो, कितना कूड़ा कचरा छोड़ के चले जाते हैं। बोलो ये धर्म कहता है क्या? क्यों गए तीर्थ में? पाप कमाने के लिए गए थे क्या? नहीं नहीं, सबसे पहले आप जाएं तो दान अन्न दान बाद में करें, पहले श्रम दान करें। गंगा जी में स्नान करें तो गंगा के तट पर जाएं, पहले घंटे आध घंटे सेवा करें, घाटों को स्वच्छ करें, समझ रहे हो कि नहीं। और जिस स्थान पर ठहरे हो उस स्थान को तब छोड़ें जब उसको साफ कर दीजिए कायदे से, नियम पूर्वक, ये मर्यादा बना के चलनी पड़ेगी, तभी तीर्थ में जाने का महत्व है, तभी उसका सच्चा अर्थ है। वहां जो गंगा के तट पर वैदिक ब्राह्मण रहते हैं अथवा संत रहते हैं जो भी, उनका भी सम्मान बढ़ाया। इसके बाद क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं हरस चले, मनी पछताओ शब्द पहले आया, पश्चाताप था, लेकिन प्राश्चित हो गया, गंगा जी में स्नान कर लिया, महिमा सुन ली, दान कर दिया, तब हरस चले, प्रसन्नता आ गई कि चलो अब काम बढ़िया बन गया। बोलो बन गया कि नहीं।